बजाज सिटी 110X के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जो कि आपको बजाज सिटी 110X में जो है कुछ नए चेंजेस मिलने वाले हैं। और बजाज वैसे भी अपनी गाड़ियों में अक्सर बहुत सारे नए चेंजेस करता रहता है। तो बजाज ने हाल ही में लॉन्च की है बजाज सिटी 110X, जो कि वो बिल्कुल ही फ्रेश लुक के साथ आपको मिल जाती है। तो बजाज इस गाड़ी में आपको देने वाला है अब डिस्क ब्रेक, जो कि अभी आपको बजाज की जो सिटी सीरीज है उसमें आपको डिस्क ब्रेक नहीं मिलती है। चाहे वो 110 हो, चाहे वो 100 हो, चाहे वो 110X हो, किसी में आपको डिस्क ब्रेक का भी ऑप्शन नहीं मिलता है। लेकिन बजाज अब आपको इस गाड़ी में जो है डिस्क ब्रेक प्लस ABS भी देने वाला है। कुछ दिन पहले भाई बजाज ने लॉन्च की थी बजाज प्लेटिना 110 ABS, वो गाड़ी शायद मार्केट में नहीं चल पाई, बजाज ने उसमें से ABS हटा दिया और उसे डिसकंटिन्यू कर दिया है। लेकिन अब बजाज ट्राई करेगा बजाज सिटी 110X में, जिसमें कि आपको डिस्क ब्रेक तो मिलने ही वाली है और जो भाई ABS है उसका भी चांस लग रहा है कि ABS आपको बजाज सिटी 110X में मिलने वाला है। तो आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि आपको इस गाड़ी में जो है डिस्क ब्रेक कब तक मिल जाएगी, प्राइस क्या होगा, गाड़ी के चेंजेस क्या होंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बात करते हैं बजाज सिटी 110X के बारे में। तो भाई ये गाड़ी आपको बिल्कुल ही नए लुक के साथ अभी मिल जाती है। बजाज इस गाड़ी का भाई जो लुक है उसमें कोई भी चेंजेस आपको करके नहीं देगा, गाड़ी का जो लुक है वो आपको सेम टू सेम मिलेगा, लेकिन आपको गाड़ी में कुछ नए चेंजेस मिलने वाले हैं। इसका भाई जो फ्रंट का फोर्क है वो आपको अलग मिलेगा, जिसमें कि आपको जो है डिस्क ब्रेक का कैलिपर फिट होने की फिटिंग मिल जाएगी। गाड़ी के जो अलॉय व्हील्स हैं वो आपको चेंज मिलेंगे, उसमें आपको ड्रम ब्रेक नहीं मिलेगा, उसमें आपको डिस्क ब्रेक का रोटर फिट करने की फिटिंग मिल जाएगी। और भाई गाड़ी की जो वायरिंग है उसमें भी आपको कुछ चेंजेस मिलेंगे। गाड़ी का जो कंसोल है वहां पर आपको एक नया फीचर मिल जाएगा, जो कि होगा ABS की लाइट। अगर गाड़ी में आएगा ABS तो भाई इसमें आपको डेफिनेटली ABS की लाइट मिल जाएगी। गाड़ी का जो हैंडल बार है वहां पर आपको मास्टर सिलेंडर भी मिलेगा। और भाई अगर गाड़ी में आएगा ABS तो भाई आपको ABS का सेंसर भी मिलेगा, तो भाई आपको ABS की किट भी मिलेगी, जिससे कि आपको गाड़ी के टैंक के पास आपको एक मशीन मिलेगी जो कि आपको ABS सेंसर या फिर आप उसे ABS पंप भी बोल सकते हैं। और बजाज जब भाई गाड़ी में इतने सारे चेंजेस करेगा तो भाई गाड़ी के जो कलर के स्कीम है और जो ग्राफिक की थीम है बजाज, वो तो डेफिनेटली चेंज करेगा। और बजाज तो भाई अक्सर अपनी गाड़ियों में नए कलर्स एंड नए ग्राफिक्स प्रोवाइड कराता रहता है, तो आपको इस गाड़ी में जो है नए कलर और नए ग्राफिक भी मिलने के चांसेस हैं। बाकी भाई आपको गाड़ी में और कोई भी चेंज नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको गाड़ी में डिस्क ब्रेक और ABS कंसोल में आपको एक नया फीचर और गाड़ी के जो बॉडी है उस पे आपको नए कलर स्कीम और नए ग्राफिक्स मिल जाएंगे। बाकी भाई गाड़ी का जो इंजन है वो आपको सेम मिलेगा, गाड़ी के जो टायर के साइज हैं जो और गाड़ी का जो डायमेंशन है, जो वेट है वो आपको सेम मिलेगा भाई। सिर्फ आपको जो डिस्क ब्रेक वाला वेरिएंट है वो आपको थोड़ा सा भारी मिल जाएगा, 1-2 किलो, बाकी आपको कोई बहुत बड़ा चेंज जो नहीं मिलेगा भाई। गाड़ी में आपको फुली एनालॉग कंसोल ही मिलने वाला है। गाड़ी का जो हेडलैम्प है वो आपको मिल जाएगा हैलोजन का। भाई जो गाड़ी के टेल लैंप है वो सब कुछ आपको सेम ही मिलने वाले हैं, इन सब में आपको कोई भी चेंजेस नहीं मिलेगा। और ये गाड़ी भाई बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी है, अगर आपने इस गाड़ी को राइड किया है तो भाई आप जानते हो कि गाड़ी कितनी कंफर्टेबल है। तो फाइनली बात करते हैं प्राइस के बारे में। तो भाई ये गाड़ी जो है अभी आपको ड्रम ब्रेक के साथ 61,800 रुपए की एक्स शोरूम मिल जाती है, लेकिन जब गाड़ी में आएगा डिस्क ब्रेक और ABS तो भाई प्राइस में आपको लगभग 8,000 रुपए तक का तो अंतर मिलेगा ही। और भाई अगर बात रही गाड़ी के लॉन्च के बारे में, भाई ये गाड़ी आपको आने वाले 1-2 महीने के बाद मिल सकती है, लेकिन बजाज की ओर से कोई भी ऑफिशियल न्यूज ना ही कभी आती है और ना ही कभी आएगी। भाई ये गाड़ी आपको अचानक से शोरूम के अंदर मिल जाएगी, तो भाई चाहो तो गाड़ी का वेट कर लो 1-2 महीने का। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलोगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।